हाय दोस्तों, तो भाई वन प्लस 8 फाइनली मेरे पास आ चुका है। अनबॉक्सिंग तो वैसे आप इसकी और चैनलों पे देख ही लोगे, पर मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस इस फोन के साथ और साथ ही साथ इसका पूरा कंपैरिजन करेंगे वन प्लस 7T से। देखेंगे भाई स्पेक्स देख के तो थोड़ा डाउट था कि भाई वन प्लस 7T से ज्यादा बड़ा अपग्रेड नहीं लग रहा है, एक्चुअल लाइफ में देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। यार एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि OnePlus बहुत ज़्यादा ध्यान देता है कि पूरा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको एक अच्छा सा मिले। जो बॉक्स आपको मिल रहा है बाकी सारे फोन से अलग टाइप का है और ये छोटी छोटी डिटेल्स OnePlus ने जो ऐड किए हैं, जैसे फ्लैप्स आपको मिल जाते हैं जिससे आप कुछ भी चीज़ उठाने गिराने में आप आराम से कर पाओ। सबसे ऊपर हमको फोन रखा हुआ मिल जाता है, उसके नीचे ये अलग बॉक्स है, इसको साइड कर देते हैं। फिर आ गया है हमारा प्लास्टिक केस और यहाँ पे आप देखोगे OnePlus ने बहुत ही बड़ा नेवर सेटल यहाँ पे डाल दिया है। और सबसे नीचे हमें मिल जाती है चार्जिंग केबल और ये चार्जर जो अपने एक अलग छोटे कंपार्टमेंट में है। अभी जो बीच में डब्बा मिला था इसमें हमें सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिल जाती है और यहाँ और भी कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें इंक्लूड करी है OnePlus ने, जैसे स्टिकर्स वगैरह आपने दिए हैं, एक वो लेटर आपको मिलता है OnePlus CEO से। फोन पे आ जाते हैं तो मुझे सबसे बेसिक ब्लैक कलर यहाँ पे मिल गया है। मैं होप कर रहा था मुझे ग्रीन कलर या फिर वो इंटरस्टेलर ग्लो वाला कलर मिल जाए। अभी कवर जो यहाँ पे OnePlus ने इंक्लूड किया है, कुछ लोग को ये पसंद आ सकता है, कुछ लोग को ये ज्यादा लगेगा जो इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे ब्रांडिंग कर दी गई है। वैसे कवर ही उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है और अभी एक दिन ही मैंने यूज किया है, ऑलरेडी मुझे थोड़ा थोड़ा येलो ये होने लगा है। ये जो ब्लैक कलर है सबसे प्लेन कलर है ये, बट यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश यूज करी है OnePlus ने, तो फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा आसानी से लग जाते हैं। जल्दी से साइड बाय साइड इसको मैं कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ OnePlus 7T से। पहला डिफरेंस तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश आपको मिल रही है, OnePlus 7T पे मैट फिनिश मिलती है। OnePlus 8 में अगर आपको ऐसी फिनिश चाहिए तो आपको ग्लेशियल ग्रीन वाला कलर इसका लेना पड़ेगा। इसके अलावा साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देखोगे लेंथ वगैरह सेम है, बट OnePlus ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी इंजीनियरिंग दिखाई है। OnePlus 7T अपने आप में बहुत ही पतला बहुत ही हल्का डिवाइस था, बट यहाँ पे एक तो वेट कम कर दिया गया है 10 ग्राम और उससे भी बड़ी बात विड्थ भी यहाँ पे थोड़ी सी कम कर दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा फोन है ये, तब भी हाथ में बहुत आराम से फिट होता है, बहुत हल्का लगता है। जल्दी से अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं Realme X50 Pro से, Realme X50 Pro बहुत बल्की लगता है हाथ में, ये बहुत बेटर है उससे। इन दोनों फोन का अगर आपको फुल कंपैरिजन देखना है भाई नीचे कमेंट करना। नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, डुअल सिम कार्ड ट्रे मिल जाती है, एक्सपेंडेबल स्टोरेज आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो OnePlus 7T में फोन यूज करते करते काफी नेचुरली आपका हाथ यहाँ तक पहुंच जाता था, सेम चीज वॉल्यूम की पे भी आप डायरेक्टली यहाँ से हाथ पहुंचा सकते थे। OnePlus 8 में आप देखोगे वॉल्यूम की भी बहुत ऊपर कर दी गई है और पावर और नोटिफिकेशन स्लाइडर भी थोड़ा खिसका दिया गया है, उस वजह से थोड़ा नेचुरल फील नहीं होता है, स्पेशली वॉल्यूम के लिए आपको हमेशा थोड़ा हाथ खिसकाना पड़ेगा। अब आगे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा डिजाइन चेंज मिलेगा। OnePlus 7T में हमें छोटा सा वाटर ड्रॉप नॉच मिलता था, OnePlus 8 में पंच होल डिस्प्ले हमें मिलता है और OnePlus 7T में फ्लैट स्क्रीन आपको मिलती थी जो साइड में बहुत थोड़े से बेजल्स थे, OnePlus 8 में वो भी खत्म कर दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कर्व्ड एज वाली डिस्प्ले मिल जाती है। बट एक चीज अच्छी करी है OnePlus ने यहाँ पे कि बहुत ज्यादा कर्व इसको नहीं किया है, बहुत ही हल्का सा कर्व है बस, जिससे वो बेजललेस वाली फीलिंग आ जाए। इसके अलावा डिस्प्ले का साइज एकदम सेम है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, HDR 10 प्लस का आपको सपोर्ट मिल जाता है, वाइड वाइन L1 भी है, स्क्रीन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मतलब OnePlus के डिस्प्लेज ऑलमोस्ट सैमसंग को मैच करने लग गए हैं, ब्राइटनेस बहुत अच्छी खासी है, कलर्स बहुत ज्यादा पंची मिलते हैं। मल्टीमीडिया की बात करें तो दोनों ही फोन्स पे यहाँ पे हमें स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है। स्पीकर सेटअप मुझे ये काफी अच्छा लगा, अच्छी खासी यहाँ पे लाउडनेस है और काफी भारी साउंड करता है। इसके साथ साथ दोनों ही फोन्स पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो बढ़िया डिस्प्ले बढ़िया साउंड दोनों ही फोन्स में मिल रहा है, मल्टीमीडिया के लिए मतलब दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट चीज आ जाते हैं परफॉर्मेंस पे, तो OnePlus 7T में हमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस मिला था, OnePlus 8 में स्नैपड्रैगन 865 मिलता है, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस वगैरह में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स हैं। बट यहाँ पे सबसे मेन जो जंप है कि OnePlus 8 में आपको 5G सपोर्ट मिल जाता है, और 5G आप आराम से मान लो कि 2022 से पहले हमारे देश में नहीं आने वाला है। उसके अलावा जो परफॉर्मेंस जंप है रियल लाइफ में महसूस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, दोनों ही फोन्स बहुत फास्ट हैं, सब चीज यहाँ पे मक्खन चलती है, मल्टीटास्किंग वगैरह आप बहुत आराम से कर सकते हो। एक बार पबजी लोडिंग टाइम भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं,
थोड़ा सा जल्दी लोड हो गया वन प्लस 8 पे, बट वन प्लस 7T भी बिल्कुल पीछे पीछे ही था। अब एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों फोन में आप HDR एक्सट्रीम पे गेम को चला सकते हो, पर वन प्लस 7T पे हम ऑलरेडी काफी गेमिंग कर चुके हैं, हमें पता है कि भाई वन प्लस की ऑप्टिमाइजेशन वन ऑफ द बेस्ट है पूरी इंडस्ट्री में। HDR एक्सट्रीम्स पे भी बिना किसी दिक्कत के गेम चलता रहता है, और सबसे अच्छी बात है कि सस्टेन्ड परफॉर्मेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है कि थ्रॉटल करने लगेगा या लैग करने लगेगा गेम। और वन प्लस 8 पे भी यही लेगेसी कंटिन्यू होती है। सबसे पहले तो आप ये ग्राफिक्स ही देखो, HDR एक्सट्रीम पे कितने प्यारे ग्राफिक्स यहाँ पे मिल रहे हैं। इसका डिटेल्ड एक पबजी टेस्ट में करूंगा पूरा, बट अभी तक तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसकी परफॉर्मेंस से। अगर आपको एक डिटेल्ड टेस्ट देखना है स्नैपड्रैगन 855 प्लस वर्सेस स्नैपड्रैगन 865 का, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली वही बात है कि गेमिंग परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे भी एकदम टॉप क्लास मिल रही है। अभी ऐसे बहुत कम गेम्स हैं जो 855 प्लस की पावर को ही पूरा यूज कर पाए, तो 865 का काम तब आएगा अगर आप थोड़ा फ्यूचर का सोचोगे, जैसे और हैवी ग्राफिक्स वाले गेम अगर आने लगे फोन पे, या फिर पबजी जैसे गेम में ही अगर 90 FPS वगैरह स्टार्ट हो गया आना। एक चीज यहाँ पे जो वन प्लस ने ऐड करी है कि अब आपको थोड़ा वाइब्रेशन फीडबैक मिलता है खेलते हुए, तो जब आप शूटिंग करोगे फोन वाइब्रेट होता है, जब आपको गोली पड़ रही होगी फोन वाइब्रेट होता है। सबसे अच्छी बात है इन दोनों ही फोन्स की कि यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्टिमाइजेशंस करे गए हैं। हालांकि वन प्लस 8 मुझे अभी थोड़ा सा बस ज्यादा गर्म लग रहा है वन प्लस 7T के मुकाबले, वो हो सकता है इसके एक्स्ट्रा पावरफुल प्रोसेसर की वजह से हो। सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं तो इसका तो हम सबको पता ही है भाई, ऑक्सीजन OS आपको मिल रहा है दोनों फोन्स पे, काफी ज्यादा लाइट वेट है, और वन प्लस ने अच्छी रेपुटेशन बना ली है कि अपडेट्स वगैरह टाइम पे पुश करता रहता है वो। एक चीज वन प्लस ने जो थोड़ी सी इंप्रूव करी है कि यहाँ पे वाइब्रेशन फीडबैक थोड़ा सा बेटर कर दिया गया है। इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट रीडर आपको यहाँ पे मिल रहा है काफी ज्यादा तेज है, और मैं तो अभी गैलेक्सी S20 यूज कर रहा था, तो उसके बाद ये यूज करने में तो बहुत ही ज्यादा तेज लग रहा है। और फिंगरप्रिंट रीडर भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पे फेस अनलॉक इतना तेज काम करता है, मतलब लॉक स्क्रीन देखने का भी मुझे मौका नहीं मिलता है। अब एक चीज है, वन प्लस के फोन्स में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता है, बट मुझे तो ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती यार, क्योंकि जैसे ही आप फोन को हल्का सा उठाते हो तो आपको क्लॉक दिख जाती है, या फिर अगर आपको ऐसे ही कुछ चेक करना हो तो आप एक टैप करके चेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे। तो वन प्लस 7T में जो दो प्रॉब्लम्स थी, पहली चीज थी कि बैटरी लाइफ यहाँ पे ज्यादा अच्छी नहीं थी, और दूसरी चीज कैमराज इसके फ्लैगशिप लेवल के नहीं थे। बैटरी वाली प्रॉब्लम वन प्लस ने सॉल्व कर दी है, बैटरी साइज काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, बैटरी टेस्ट भी इनका मैं बहुत जल्दी ले आऊंगा। तो वन प्लस 7T से भी वैसे एक दिन ऑलमोस्ट निकल जाता था, बट 5-5.5 घंटे से ज्यादा का स्क्रीन ऑन टाइम ये नहीं दे पाता था, वो चीज वन प्लस 8 में सॉल्व हो जाएगी। चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग यहाँ पे अनचेंज्ड है, 30 वॉट की वॉप चार्जिंग आपको मिल रही है, आधे घंटे में आपको 60% के अराउंड, और फुल चार्ज आपको 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट के अराउंड मिल जाएगा इस पे। तो बैटरी डिपार्टमेंट तो इम्प्रूव कर दिया है वन प्लस ने, और यहाँ तक सब अच्छा चल रहा है इस फोन के लिए, बट अब आ जाती है प्रॉब्लम, आ जाते हैं कैमरास पे। यहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब डिसीजन लिया है वन प्लस ने, अपग्रेड करने की जगह कैमरा सिस्टम को डीग्रेड कर दिया है। पहली बात तो प्राइमरी कैमरा में सेम मिल रहा है यहाँ पे 48 मेगापिक्सल IMX586। वन प्लस 7T में कम से कम f1.6 अपर्चर की लेंस थी, यहाँ पे तो वो भी घटा के 1.8 कर दी गई है। वाइड एंगल कैमरा बेसिकली सेम रखा गया है, 16 मेगापिक्सल ही है। वन प्लस 7T पे हमें ऑटो फोकस मिलता था, वन प्लस 8 में से ऑटो फोकस भी हटा दिया गया है वाइड एंगल लेंस में से। और तीसरी लेंस जो वन प्लस 7T में थी 2x टेलीफोटो, उसको तो वन प्लस खा ही गया है बिल्कुल, और उसकी जगह यहाँ पे डाल दिया है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। पहली बात तो मैक्रो की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वन प्लस 7T पे आप उसके अल्ट्रा वाइड कैमरा से भी मैक्रो ले सकते थे। पर दूसरी बात उससे भी बड़ी प्रॉब्लम कि भाई मैक्रो डाल रहे थे तो 2 मेगापिक्सल का क्यों डाला, कम से कम 5 मेगापिक्सल का तो मैक्रो डाल देते। सेल्फीज पे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी एकदम अनचेंज्ड है मामला, सेम सेंसर आपको मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का, और ये IMX471 है सोनी का, और ये जनरली वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमराज होता है। अब सबसे पहले सबसे ऑब्वियस चीजें डिस्कस कर लेते हैं। वन प्लस 8 पे टेलीफोटो लेंस नहीं है, और डिजिटल जूम आप इस पे भी कर सकते हो 10x जूम तक, और 2x पे उतना पता नहीं चलता है, बट जैसे ही आप 10x पे जाओगे काफी क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि बिल्कुल मैच नहीं है ये वन प्लस 7T के जूम का। वन प्लस 7T में बहुत बेटर डिटेल्स हैं, बहुत क्लियर पिक्चर्स हैं, वन प्लस 8 बहुत ही ज्यादा नॉइजी है। 2x जूम पे वैसे ऊपर से देख के आपको बिल्कुल डिफरेंस पता नहीं चलेगा, कहीं कहीं पे पर थोड़ा बहुत एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस का, और इनफैक्ट ऊपर से भी जो फोटोज आपको सेम लग रही है थोड़ा आप जूम इन करके देखोगे सारा सच सामने आ जाएगा। वन प्लस 8 में आप देख सकते हो कितनी ज्यादा नॉइज है, वन प्लस 7T में कितने बेटर है डिटेल। वन प्लस 8 पे आपको मैक्रो कैमरा मिलता है, बट वन प्लस 7T में आप नॉर्मल कैमरा से भी मैक्रो मोड फोटोज ले सकते हो, और यहाँ पे अगेन वन प्लस 7T बेटर निकल के आता है क्योंकि हाई रेजोल्यूशन में यहाँ पे आप फोटोज ले पा रहे हो। वन प्लस 8 में आपको 2 मेगापिक्सल की फोटोज मिलती हैं, ना ही फोकस सही से होता है,
ना ही उसमें डिटेल्स ज्यादा अच्छी कुछ होती हैं और ज्यादातर फोटोज आपको ब्लरी और नॉइजी ही मिलेंगी यहाँ से। अब OnePlus 70 में 48 मेगापिक्सल शॉट आप सिर्फ प्रो मोड में ले सकते थे, इसलिए ये फोटो आपको बहुत ओवर एक्सपोज मिलेगी। OnePlus 8 में आप ऑटो मोड में भी 48 मेगापिक्सल शॉट ले सकते हो, बट जूम इन करके यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है डिटेल वगैरह में। ये क्लोजअप शॉट में आप देखोगे जो डिटेल्स हैं, कलर्स वगैरह हैं, ऑलमोस्ट सेम लेवल के ही दोनों पे लग रहे हैं। पर एक चीज मैंने नोटिस करी, OnePlus 8 में थोड़ी कूलर टोन होती है फोटोज में, OnePlus 70 में थोड़ी वार्म होती है, और ऊपर से देखने में आपको सेम लेवल की लगेंगी, बट जूम इन करके OnePlus 70 में समाओ काफी क्लियर होते हैं डिटेल। OnePlus 8 में मुझे अजीब सी एक नॉइज दिख रही है फोटो में। अब ये डायरेक्ट सनलाइट की एक फोटो ली थी, OnePlus 8 ने डायनामिक रेंज बहुत बेटर मेंटेन करी है, बट यहाँ पे जूम इन करके फिर से आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा नॉइजी सी ग्रेनी सी फोटो आई है। पर ये मैंने जनरल ट्रेंड देखा, आई थिंक OnePlus को एक सॉफ्टवेयर अपडेट निकालना पड़ेगा ये चीज फिक्स करने के लिए। वाइड एंगल पे आ जाते हैं, तो वाइड एंगल तो बेसिकली सेम कैमरा सेंसर है, तो यहाँ पे ऊपर से देखने में भी ज्यादा फर्क नहीं है और जूम इन करके भी उतना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। और अगेन यहाँ पे भी मैंने सेम चीज नोटिस करी, कहीं कहीं पे 70 की फोटोज ज्यादा शार्प, ज्यादा डिटेल्ड लगती हैं, OnePlus 8 की फोटो थोड़ी सी नॉइजी होती है। थोड़ा सा फर्क शायद इस बात से भी पड़ रहा है कि OnePlus 70 में हमें ऑटो फोकस मिल रहा है वाइड एंगल लेंस में, जबकि OnePlus 8 में हमें वो नहीं मिल रहा है। अब ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पे बस कलर टोन थोड़ा सा डिफरेंट है, वरना दोनों ही फोटोज एकदम सेम लेवल की मुझे लग रही हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स में यहाँ काफी अजीब से मुझे रिजल्ट देखने को मिले। OnePlus 8 में कुछ अलग ही टाइप की प्रोसेसिंग हो गई, एकदम स्किन कलर गायब हो गया। OnePlus 70 में जो एक एडवांटेज था कि आप टेलीफोटो लेंस से भी पोर्ट्रेट ले सकते थे, OnePlus 8 में आप डिजिटल जूम वाली पोर्ट्रेट ले सकते हो, बट यहाँ पे काफी खराब से डिटेल आते हैं। सेल्फीज पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे सेम कैमरा सेंसर है, बट यहाँ पे काफी डिफरेंट सी मुझे कलर प्रोसेसिंग लग रही है। काफी ब्राइट सनलाइट में मैं ये फोटोज ले रहा था, बट दोनों ही फोन्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं डायनामिक रेंज मेंटेन करने का, बट यहाँ पे भी जूम इन करके मुझे OnePlus 70 की फोटोज समहाउ ज्यादा क्रिस्प, ज्यादा अच्छी लग रही हैं। टाइम आपको एकदम सिमिलर सी सेल्फी परफॉर्मेंस मिलेगी, बट एकदम ये लो लाइट में मैंने सेल्फी ली और यहाँ पे आप देखोगे OnePlus 8 ने एक तो मेरी स्किन टोन बहुत लाल कर दी है और दूसरा मेरी टी शर्ट बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर दी है। अब मेन कैमरा से थोड़ी लो लाइट की बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे ऊपर से दोनों फोटोज काफी सिमिलर लग रही है और जूम इन करके भी ज्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सेम फ्रेम वाइड एंगल से लिया और यहाँ पे मेन कैमरा के मुकाबले दोनों ही फोटोज में काफी ज्यादा नॉइज है, काफी सॉफ्ट हो गई है दोनों फोटोज। फाइनली 2x शॉट अगर आप लो लाइट में लोगे 70 से, तो वो टेलीफोटो लेंस की जगह मेन कैमरा ही यूज कर लेता है, इसकी वजह से यहाँ पे इसको एडवांटेज नहीं मिल पाता है टेलीफोटो लेंस का। अब उसके अलावा दोनों फोन्स में फ्लैश परफॉर्मेंस एकदम सेम सी है, दोनों फोन्स में ही वाइड एंगल कैमरा लो लाइट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। आपस में कंपेयर करके देखें इस लैंडस्केप शॉट में, तो यहाँ पे आप देखोगे OnePlus 8 ने थोड़ा बेटर काम किया है डिटेल्स कैप्चर करने में, 70 थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। नाइट मोड वाइड एंगल पे आप दोनों में यूज कर सकते हो, यहाँ पे दोनों ही फोटो सॉफ्ट लग रही हैं, बट कलर्स थोड़े से बेटर OnePlus 70 पे आए हैं, मतलब लो लाइट में दोनों के ही वाइड एंगल कैमरा थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। मेन कैमरा पे आ जाते हैं, तो ऊपर से देख के आपको पता चल रहा होगा काफी बेटर पिक्चर्स यहाँ पे आई हैं, और यहाँ पे जूम इन करके एक्चुअली मुझे ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम लेवल के डिटेल्स दोनों पे आए हैं। नाइट मोड ऑन करके दोनों ही फोटोज में डिटेल्स और कलर ऐड हो गए हैं, बट 70 की फोटो में येलो बटरफ्लाई आप देखो, कलर्स और डिटेल्स दोनों कितने बेटर हो गए हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं OnePlus 70 और OnePlus 8 से, दोनों में 4K 60 FPS वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में कैसी क्वालिटी मिल रही है, साउंड क्वालिटी आपको कैसी मिल रही है, डायनामिक रेंज किस तरह की मिल रही है। मैं एक बार जल्दी से टर्न करता हूँ यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज OnePlus 8 के पास कि 4K 60 FPS पे भी आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी बेटर यहाँ पे स्टेबलाइज्ड है वीडियो। सुपर स्टडी मोड आपको दोनों फोन से मिलता है, बट OnePlus 70 में सिर्फ 1080p वीडियो पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, OnePlus 8 में 4K में आप सुपर स्टडी रिकॉर्ड कर सकते हो, और क्लियरली यहाँ पे स्टेबलाइजेशन और वीडियो क्वालिटी दोनों OnePlus 8 पे बेटर है। दोनों फोन्स पे आप वाइड एंगल से भी 4K वीडियो ले सकते हो, और अगेन यहाँ पे OnePlus 8 में काफी बेटर स्टेबलाइजेशन और काफी अच्छी मुझे वीडियो क्वालिटी लग रही है। इसके अलावा साउंड रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी है वो दोनों फोन्स में एकदम बराबर सी है।
अब सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं OnePlus 70 और OnePlus 8 में। यहाँ पे व्यू फाइंडर में देख के तो मुझे OnePlus 70 पे बहुत बेटर लग रही है डायनामिक रेंज। सेल्फी वीडियो में अगेन कुछ अजीब हुआ, आप देख रहे हो OnePlus 8 में कितना ज्यादा ओवर एक्सपोज कर दिया है इसने और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। और जो इमेज स्टेबिलाईजेशन भी है वो भी OnePlus 70 में बहुत बेटर काम कर रही है, OnePlus 8 की वीडियो तो एकदम ही यूजलेस लग रही है। तो ओवरऑल बात करूं तो यार वीडियो रिकॉर्डिंग में ये स्टेबिलाईजेशन वगैरह में थोड़ी एक्स्ट्रा मिल रही है, बट उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा ही कैमरा सिस्टम एक डाउनग्रेड है। बुरे नहीं है कैमरा, अच्छी खासी फोटो ले लेते हैं। अभी यहाँ पे जो हमें इनकंसिस्टेंसी दिखी थोड़ी परफॉर्मेंस में, जो इश्यूज थे वो चीजें सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ OnePlus धीरे धीरे सही कर देता है। पर यार वही बात है कि एक नई जनरेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ नया होगा, कुछ बेटर होगा। अगर कुछ अपग्रेड नहीं करना था तो एटलीस्ट यही सेम कैमरा सेटअप हमें दे देना चाहिए था यहाँ पे OnePlus को। इस टाइम के हिसाब से ऑलमोस्ट ऐसा है कि स्नैपड्रैगन 865 वाले फोन में से सबसे वीक कैमरा आपको OnePlus 8 में मिल रहा है। अब एक बार समरी में बात करें OnePlus 8 में आपको क्या चीजें बेटर मिल रही हैं। थोड़ा बेटर डिजाइन आप मान सकते हो क्योंकि कर्व्ड एजेस मिल रही हैं, पंच होल वाला कैमरा मिल रहा है, बैटरी लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव्ड मिल रही है, 5G सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़े इंप्रूवमेंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। OnePlus 70 में आपको थोड़े से पुराने नॉच डिजाइन से काम चलाना पड़ेगा, बट उसके अलावा जो यूजेज एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट सेम लेवल का है, बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम है, पर यहाँ पे जो कैमरा एक्सपीरियंस है वो बेटर मिल रहा है OnePlus 8 से। और सबसे बड़ी चीज जो इसके फेवर में काम करती है कि बहुत ज्यादा सस्ता है ये फोन। OnePlus 70 का बेस मॉडल आपको 35,000 का मिल जाएगा, पर 8GB रैम वाला मॉडल अगर आप देखोगे तो सीधा 10,000 रुपए का फर्क है OnePlus 70 से। तो यार यहाँ पे काफी क्लियर इक्वेशन है मेरे हिसाब से, अगर आप 5G हटा दो तो कोई भी और नेगेटिव नहीं है OnePlus 70 में। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप अभी फोन लोगे और फिर 3-4 साल आपको चलाना है, अभी आप एक्स्ट्रा पैसे डाल के OnePlus 8 खरीदने का सोचना, वरना अगर आप भी मेरी तरह 1.5-2 साल में वैसे भी फोन अपग्रेड करने का सोचोगे तो मेरे हिसाब से अभी आप पैसे बचा के OnePlus 70 ले सकते हो और 2 साल बाद जब 5G आ जाएगा उस टाइम उसके हिसाब से एक नया 5G फोन ले लेना। इस फोन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था यार जब से ये लॉन्च हुआ था, मतलब फोन अभी भी ये बहुत अच्छा है और 42,000 में आपको सुपर फ्लैगशिप परफॉर्मेंस मिल रही है, 5G आपको मिल रहा है, बहुत ही प्यारी डिस्प्ले मिल रही है। पर मुझे लगता है बहुत बेटर ये पैकेज हो सकता था और 2 साल पहले तक एक्चुअली बजट फ्लैगशिप स्पेस में ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं होते थे, अभी इतने सारे ऑप्शंस हैं। Realme X50 Pro है आपके पास जिसमें आपको थोड़ा बेटर ऑलराउंड कैमरा सेटअप मिल रहा है, वरना फिर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा में आपको Xiaomi Mi 10 मिल जाएगा जिसमें आपको फ्लैगशिप 108 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, वायरलेस चार्जिंग आपको वहां पे मिल रही है और कुछ नहीं तो सबका बाप जो है OnePlus 8 Pro, इससे बस 10,000 रुपए एक्स्ट्रा में आपको बहुत बेटर कैमरा सेटअप, आपको वायरलेस चार्जिंग, IP68 रेटिंग, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, QHD रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप नया OnePlus फोन खरीदना चाहते हो, 5G फोन खरीदना चाहते हो, थोड़ा से और पैसे जोड़ के, थोड़ा सा और पेशेंस रख के आप OnePlus 8 Pro ही कंसीडर कर लो सीधा। इस फोन में मुझे लगता है OnePlus ने कुछ ज्यादा ही कॉस्ट कटिंग कर ली, जैसे अभी भी यहाँ पे LPDDR4X रैम है जो OnePlus 70 में थी, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 90 ही है, 120 किया जा सकता था, बैटरी चार्जिंग स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाई है, 30 वॉट बैटरी चार्जिंग 2018 में OnePlus ने इंट्रोड्यूस करी थी और तब से सेम चल रही है। और सबसे बड़ा डिसीजन, सबसे बड़ा ब्लंडर तो यही है भाई, कैमरा सेटअप का जो मजाक बनाया गया है यहाँ पे, ये डिसीजन मुझे लगता है जानबूझ के लिए OnePlus ने, क्योंकि सारे ये फीचर्स वो बचा के रख रहा है OnePlus 8T के लिए। और एक और रीजन इसका हो सकता है कि अगर आप OnePlus 70 देखोगे, OnePlus 70 इतना अच्छा बना दिया था OnePlus ने कि इसके चक्कर में लोगों ने OnePlus 70 Pro को बेकार मानना शुरू कर दिया, तो आई थिंक वो चीज अवॉइड करना चाहता था OnePlus यहाँ पे। इसमें अगर थोड़े ज्यादा फीचर्स होते तो फिर OnePlus 8 Pro की वो वैल्यू नहीं रहती जो अभी है। खैर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, आप बताओ आपको और क्या कंटेंट देखना है OnePlus 8 पे, नीचे कमेंट करके मुझे बताना कौन-कौन से कंपैरिजन देखने हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।